जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब मजे में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरे ब्लॉग्स में देख ही रहे हो कि किस तरह हमारे रेगुलर मैचेस चल रहे हैं, तो थोड़ा सा मैंने आज सोचा क्यों ना अब जो मेरे जितने भी सेशंस वाले बच्चे हैं उनको ओपन नेट्स करवाई जाए, उनको अलग अलग टारगेट दिया जाए। जैसे कि किसी दिन 50 ओवर की बैटिंग के हिसाब से उनको ओपन नेट्स कराई जाए, किसी दिन डेज के हिसाब से की कराई जाए, और किसी दिन 20-20 मैच के हिसाब से की जाए। क्योंकि क्रिकेट क्या देखो डिफरेंट फॉर्मेट्स के हो चुका है, तो इसीलिए आपके जो अकेडमीज़ के प्लेयर हैं और जो अकेडमीज़ में जो बच्चे हैं वो भी इस बात का ध्यान रखें कि वो जब भी प्रैक्टिस करें तो वो अलग अलग सिनेरियो के हिसाब से प्रैक्टिस सॉरी भाई, थोड़ी क्या बता दिया था मैंने आपको कि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है 2-3 दिन से, बहुत मतलब धूप वगैरह में रहने के वजह से बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत कर ली इस चक्कर में। तो मैं कह रहा था कि जो प्लेयर्स हैं वो भी इस बात का ध्यान रखें कि जब भी वो प्रैक्टिस करें तो वो वन डे के हिसाब से, किसी दिन डेज के हिसाब से, किसी दिन 20-20 के हिसाब से प्रैक्टिस को करें। ये कुछ लड़के आ चुके हैं एकेडमी और कुछ अभी आ रहे हैं, कुछ अंदर हैं एकेडमी के, और 10 ही चाहिए मुझे आज के प्रैक्टिस के लिए। पूरा बैंड होके चलो एक साथ तरीके से। ये एकेडमी के कुछ सीनियर बच्चे हैं, तरीके से चलते रहो। पूरा बैंड हो, पूरा नीचे। अरे देख वसीम क्या कर रहा, गलत कर रहा। अरे वसीम ऐसे होता, ऐसे साइड ठीक है, यहाँ से बैक फ्लिक्स यहाँ से वहाँ तक। हाँ, जो आपकी एरिया है वो साइकिल पोजीशन में आएगी, देख लो एक बार। हाँ ये वेरी गुड प्रियांशु, ट्राई अच्छा है भाई। आप लोग भी राइट पोजीशन देख लो जैसे प्रियांशु भी कर रहा है। ये बैक फ्लिक्स ही होती है जो आप बट किक्स बोलते हो जिनको, है ना, उसकी सही पोजिशन में आपको अभी लास्ट में बता दूंगा कैसा क्या। तेज ग्राउंड टच करते हो प्रॉपर। अल्टरनेट साइड से बोथ हैंड्स का यूज करना है अलग अलग टाइम पे। कम ऑन पोगो जंप्स एक साथ कमर पे हाथ रख लेना, पैरों को चिपका के पंजों पर अच्छे से प्रॉपर। हाँ, नॉर्मल वॉक करो थोड़ा सा आगे, वहां से ब्रॉड जंप्स करते हो इस तरफ मेरी तरफ, पूरा प्रॉपर स्क्वाट पोजिशन के साथ में। फौजी सही से कर ले, छुपे मत पीछे, पैरों को खोलो वाइड करो थोड़ा सा, पूरे लास्ट तक आना है। लंबी जंप्स दोनों पैरों से एक साथ, बैलेंस बना प्रियांशु, 10 स्क्वाट्स चलो, वेट नहीं करना है, स्टार्ट जो 10 पुशअप्स लगाना इसके बाद, 20 जंप्स जिसमें 10 नॉर्मल एंड 10 नीज को चेस्ट पर टच करना है। कम ऑन सही से प्रॉपर प्रदीप, फेस वॉल की तरफ, अब बैक रन करना मेरी तरफ, यस गो स्प्रिंट आगे स्प्रिंट बैक, स्प्रिंट बैक, कम ऑन चलो स्प्रिंट, नॉर्मल वॉक करके हो सामने सर्किल, ठीक है सामने हो जाना है या फिर सर्किल बना लो प्रॉपर, ठीक है सामने हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। फॉलो करना है भाई, बाल अकेडमी की ड्रेस लेनी पड़ेगी बड़े वाली जिसके पास नहीं है वो भी। तो अभी हमने जो वार्म अप है वो कंप्लीट करवा दिया है ना, अभी इसके बाद अभी हम बैट्समैन जो भी हो हमारा अर्जुन और प्रियांशु एंड विशाल रावत, अभी इनमें से एक एक करके हम लोग बुलाएंगे बैट्समैन को, ओपन हेड्स का उनको सिनेरियो अभी हम देने वाले हैं कि कैसे आपको बैटिंग करना है, क्या आपका आज का टारगेट रहेगा, किस चीज़ को आपको आगे वर्क करना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक क्लिप्स वगैरह ऐड करवा दूंगा इसमें, अभी बहुत जल्दी यार कुछ लेने वाला हूँ मैं, ताकि यार मेरे को बार बार ऐसे मोबाइल पकड़ना आना पड़े, थक जाता हूँ यार, है ना, लेकिन करना तो पड़ता है भाई, देखो सच बता रहा हूँ करना पड़ता है, और उसके हिसाब से मैं करता रहूँगा ये चीज़ों को। आप टेंशन मत लेना, आपका भाई आपको सारी प्रैक्टिस की चीज़ें बताएगा दिखाएगा कि कैसे मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, कैसे हमारे यहाँ चीज़ें होती है, कितना मैं ग्राउंड पे इन्वॉल्व रहता हूँ बच्चों के साथ में, प्रैक्टिस पे मैचेस में सब में सारी चीज़ें आपको उसमें मिलेगी ब्लॉग्स वगैरह में। तो अभी ब्लॉग्स वगैरह देखते रहना ठीक है भाई, अब बहुत तगड़ा सेनरी होने वाला है प्रैक्टिस का, मज़ा आएगा, देखते हैं
कौन सा प्लेयर कितनी देर स्टे करता है ना, और बाकी सारी चीज़ें मैं इसमें क्लिप्स में ऐड करूँगा। आप सब देखते रहो यार, मस्त रहो, बिंदास रहो और पूरा सपोर्ट करते रहो ऐसी चीज़ों में, ताकि आपका भाई और अच्छी अच्छी चीज़ें ला सके और प्रैक्टिस करा सके नई नई चीज़ों के साथ में। उसके लिए आपका चाहिए मुझे सपोर्ट। ये बच्चे ले आए अपना अपना किट बैग बाहर, अभी और आ रहे हैं, पानी पी रहे हैं बाकी के। तो भाई आपने बताया नहीं कि ये ग्राउंड आपको कैसा लगा यार, किसी का ही मुझे कमेंट ही नहीं आया अभी तक कि भैया ग्राउंड आपने बहुत अच्छा कर लिया। जो हमारे पुराने लड़के उनका भी कमेंट नहीं आया कि सर आपने मतलब जो बोला था कि वो एक दिन कर दिया। मैंने उन बच्चों से कहा था कि भाई एक दिन आएगा कि इसमें मैं बहुत मैचेस खिला दूंगा, आप भी थोड़ा वेट करो, सबर करो, लेकिन बहुत जल्दीबाजी के चक्कर में लोगों ने बहुत थोड़ी थोड़ी गलतियाँ कर दी। कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ। अब देखो कितने सारे मैच हो रहे हैं, कितने सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे, प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग होगी, ओपन नेट्स होती है। अब बताओ क्या किया जाए, मैं तो सपोर्ट ही करना चाहता था आपको तब भी और अब भी। कभी लाइफ में हेल्प चाहिए तो कभी भी मुझे मैसेज और कॉल कर सकते हो एनी टाइम। सबसे प्यार है, इसे कोई हेट नहीं है। यहाँ पे आ गए प्लेयर अभी अपने अपना भाग लेके, जितने बैट्समैन वगैरह हैं तो अपना अपना इक्विपमेंट्स ले आए, अपना अपना किट लेकर बाहर आ चुके हैं। बाकी लोग कहाँ हैं, अपने पैड वगैरह बाहर निकाल लो ताकि उनको सूख भी जाएंगे हल्का हल्का। अपने सामानों को सुखाया करो वरना जल्दी ख़राब होएगा, ग्रिपिंग अच्छी नहीं रहेगी। ग्लव्स वगैरह को सुखा के जब भी प्रैक्टिस पे आते हो नेट्स करने, उसको तुरंत सुखा दिया करो। ये इसका विशाल फौजी के पास किट का है, मैं बिना बैग के प्रैक्टिस ही नहीं करने दूंगा। किट चाहिए यहाँ तो, और जो भी बैट्समैन होगा उसके बाद किट प्रॉपर मेरे को चाहिए। कोई बात नहीं, फील्डिंग कर लेगा, बॉलिंग कर लेगा, क्या दिक्कत है? क्या कहाँ है बाकी सामान, हेलमेट और सब है? अभी जैसा कि मैंने इन लोगों को सिनेरियो बता दिया कि कैसे आपको रन बनाना है, कैसे आपकी फील्डिंग पोजीशंस के वगैरह रहेगी, कैसे बॉलर बॉल डालेगा, तो उसी चीज़ पे हम अभी वर्क करने वाले हैं। सारे प्लेयर्स रेडी हुए हैं, प्रॉपर फील्डिंग पोजीशन रहेगी, ठीक है ना, एक भी गलत नहीं होगा। मिड ऑन, मिड ऑफ, मिड विकेट, कवर्स, एक पॉइंट एंड आ जाए विकेट कीपिंग का वो। हाँ, बैट्समैन अभी रेडी हो रहा, थोड़ा जल्दी हो अर्जुन, जल्दी थोड़ा सा, 15 बहुत ओवर हो जाएंगे इसलिए जल्दी थोड़ा जल्दी बैठ अप हो। तो दोस्तों अभी हमने एक एक बैट्समैन को 15 ओवर बैटिंग करने का टारगेट दिया है कि 15 ओवर में आपको दो बार आउट का चांस मिलेगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि बैट्समैन को समझाता रहूँ कि आपको एक भी बार अपना विकेट गिराना नहीं है। लेकिन दो बार चांस का मतलब ये कि यार बॉल अगर मीन्स मान के चलो कोई गलत बॉल डल जाता है या कुछ बॉल या सिचुएशन में कुछ ऐसी हो जाता है कि इसकी वजह से उसका विकेट हो जाता है, तो उसका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए हमने हर बैट्समैन को दो दो चांस दिया है कि उनको 90, हमें तो यार पूरे तो 90 बॉल्स उनको भी खिलाना है कि 90 बॉल हम उनको खिलाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यार बैटर कर पाएँ। अगर कम बॉल में ही अगर हमको उसको करवाना होगा तो वो चीज़ें गलत हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैं किसी भी प्लेयर का टाइम वेस्ट करवाना नहीं चाहता, सबको अच्छा सा खिलाना चाहता हूँ, सबको अच्छी प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ, इसलिए सारी चीज़ों को हम बहुत सोच समझ के ये चीज़ें सारी करते हैं। अभी हमने जैसे पॉइंट, कवर्स, मिड ऑफ, मिड ऑन, मिड विकेट, विकेट कीपर एंड स्लिप, ये हमने इतनी फील्ड ली है, इसके हिसाब से हम लोग अभी बॉल डालने वाले हैं और फील्ड हमने इसी हिसाब से लगाई है। एक लाइन में बॉल होगा, एक लाइन में बॉल आना चाहिए, अगर लेग स्टंप पे बॉल आएगा तो खुद लेने जाना बॉल, फील्डिंग के हिसाब से बॉल डालनी है। लेग स्टंप पे अगर आप बाउंड्री खाओगे तो आपको ही लेने जाना पड़ेगा, कोई फील्डर लेने नहीं जाएगा। आया फास्ट 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 आउट करना अपन को, गुड बॉल गुड बॉल, कम ऑन। अब मैं थोड़ी देर बाद क्लिप ऐड करूँगा, मैं थोड़ी सी इनको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, इसलिए मोबाइल अभी मैं रखने वाला हूँ, तो अभी थोड़ी देर के बाद मैं ऐड कर दूंगा, बीच बीच में सारी क्लिप्स ऐड कर दूंगा, क्या क्या जो भी चीज़ें रहेगी ना। अब चलो मिलते हैं जल्दी से अगली क्लिप, बोल के खेल ले वरना बैटिंग नहीं दूंगा, ध्यान रख लेना। ड्राइव का बॉल था, ड्राइव का बॉल, बिल्कुल ड्राइव का बॉल था, बॉल गुड बॉल गुड बॉल गुड बॉल। अभी पहला विकेट गिर चुका है अर्जुन का, दो बार आउट हो चुका है ये। अभी इसका आउट होने के दो रीजंस आप कह सकते हो, एक तो इसका एक्सक्यूज ये है कि
विकेट लहर जैसा हो रहा है ऐसे ऐसे, यानी कुछ हाथ से यूं कर रहा था पानी की लहर के जैसा। लेकिन जो मैंने देखा वो मैंने देखा कि जो उसका गेम है ये मतलब मार के खेलना पसंद करता है, लेकिन आज जब इसको पेशेंस का बोला तो ये थोड़ा सा फंस गया। फिर सेल्फ डाउट आ ही जाता है जब रन नहीं आपसे बनते। चौथा ओवर था ये, चौथे ओवर में दो बार आउट हो चुका है, एक बार बोल्ड और एक बार कॉट बिहाइंड। ठीक है, तो क्या बोलते हैं अब इसकी ये चीज़ें अभी आपको मैं इसीलिए मैंने बोला कि इस मैचेस के क्या अलग अलग सेनरियोज आप देते रहोगे ना प्लेयर्स को भी, और जो प्लेयर्स हैं अलग अलग सेनरियो के हिसाब से प्रैक्टिस करोगे तो वो ज़्यादा बेटर है। कई बार क्या होता है जो अग्रेसिव बैट्समैन होते हैं ना उनको भी सिलेक्शन मैचेस में बहुत नीचे खेलना पड़ता है, तो उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन अभी ही से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम सेनरियो को बना रहे हैं, अलग अलग चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं, ड्रिल्स को डेवलप कर रहे हैं, मैचेस के पर्पस को डेवलप कर रहे हैं। तो जो भी लोग प्लेयर्स हैं जो भी क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं वो यार मेरे ब्लॉग को जल्दी से सब्सक्राइब करके रखना मेरे चैनल को, ताकि आपको नई नई चीज़ों के बारे में सीखने को और जानने को मिलता रहे और आप लोग प्रैक्टिस पर बेटर से बेटर कर सकें। अब जो नेक्स्ट बैट्समैन है वो है वसीम खान, ये भी हिटिंग करना बहुत पसंद करता है, लेकिन आज इसको पेशेंस की बैटिंग के लिए हमने बोला है मैच में जो हम लोग ओपन अभी नेट्स में कर रहे हैं। देखते हैं कितनी देर स्टे कर पाता है या कितनी देर खेल पाया। वसीम कैसा खेलेगा अभी? अच्छा खेलेगा मतलब, लेकिन आज तो मार के खेलना आउट है, धैर्य रखना। धैर्य रखने के चक्कर में ऐसा ना हो कि बॉल तेज निकल जाए और तेरा बैट ही लेटा है, क्योंकि तेज फेंकते हैं वो लोग, ध्यान रखना। ठीक है, अरे आज ही फेंक लेगा क्या? आ गया कैच, ऑन, खिलाओ उसको लग के, ये बॉल डाल, गुड शॉट, आंधे इसको थोड़ा सा और खिंचा हुआ हल्का सा, ये बॉल, ये बॉल। तीन बैट्समैन ने भी पैड कर लिए हैं, तीन बैट्समैन आउट हो गए हैं, 9:30 बज गई है। वही है ना मैंने जो बोला था यार, पेशेंस रखना बहुत मैटर करता है। अगर आप हमेशा ही अगर मारने की कोशिश करोगे, मैं भी बहुत मतलब बहुत मारने की ट्राई करता था पहले, तो हर चीज़ में क्या देखो नुकसान हो जाता है। ठीक है, अभी जैसा इनको पेशेंस के लिए बोला गया था लेकिन उन्होंने उस बात को ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये जिस हिसाब से डेली खेल रहे थे उस हिसाब से इन्होंने आज का काम किया, मतलब मारने के चक्कर में आउट हो गए, जिसमें क्योंकि मारना अलाउड नहीं था। आज पूरा ग्राउंडेड खेलना था, वी शेप में बैटिंग करनी थी, लेकिन कोई भी बैट्समैन मैक्सिमम 4-4.5 ओवर से ज़्यादा टिका ही नहीं। हाईएस्ट मतलब 4-4.5 मैक्सिमम बहुत मतलब गंदी बैटिंग। ऐसा वसीम को लग रहा था देख कर कि हाँ ये खेलेगा पूरा, लेकिन वो भी आउट हो गया जल्दीबाजी के चक्कर में। एक उसको बहुत फ्लाइट बॉल मिला, उसने पेशेंस को दिया अपना एंड देन हिट कर दिया उसको बॉल को, और वो इसलिए आउट भी हो गया। ऐसी गलतियाँ नहीं करनी यार कभी भी, अगर आपको जो टारगेट देते हैं आपको और खेलना है 15 ओवर की बात थी यार, 15 ओवर पेशेंस रखना सीखोगे धीरे धीरे, फिर 20 ओवर, फिर 25 ओवर, देन फिर जब आप थोड़ा सा रन स्कोर करने लगोगे देन अपना गेम को थोड़ा इम्प्रूव करो, चेंजेस करते रहो, चैलेंजेस लेते रहो, तो उसमें आपका इम्प्रूवमेंट जल्दी होगा मुकाबले इस चीज़ के कि आप जो रेगुलर कर रहे हो वही नहीं करना है यार। आप जैसे नेट्स में बहुत मतलब ज़्यादा बॉलें खेल रहे हो वो भी नहीं करना है। सारी प्रैक्टिस का सिस्टमेटिक सबसे सारा सिस्टम अलग होता है, तो आप उस सिस्टम को फॉलो करो, उसकी प्रैक्टिस करो, देन अप्लाई करो, देन मैच में परफॉर्म करो, देन आपका गेम ऑटोमेटिक इंप्रूव होगा, गारंटीड बोल रहा है आपका भाई। भाइयों जैसा कि आप देख रहे हो कि कितना भयंकर पसीने से तरपर हो गई है अभी हमारी प्रैक्टिस में, हम सारे प्लेयर जितने भी हैं बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत उमस पड़ रही है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होगी यार गर्मी के मारे। अभी सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे से। वो कहते हैं ना यार जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है, रचता है, ऐसा ही कुछ कहते हैं ना। तो भाई मैं कहता हूँ पसीने से तो नहा लो लेकिन ज़्यादा देर जमने मत देना, अगर ये पसीना जम गया बॉडी पे तो उससे आप गंदे हो जाओगे, और गंदे हो जाओगे तो नमक की मात्रा आपकी बॉडी पे जम जाएगी। बालों को पानी से साफ़ करते रहो बार बार बीच बीच में, जिससे आप बाल आपके झड़े नहीं, क्योंकि पसीने में नमक होता है बहुत ज़्यादा, अगर वो नमक रुक जाता है तो बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, बॉडी काली पड़ना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए अपने आप को साफ़ करते रहो बीच बीच में टॉवेल या पानी से, जिससे आपकी बॉडी भी फ्रेश रहे और एक मतलब एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी हमेशा आपको मिलती रहे। अभी सांस भी फूल रही है यार, क्योंकि अभी सिखाने में बहुत भयंकर हालत ख़राब हो जाती है यार, भगने में, दौड़ने में, प्रैक्टिस कराने में, बहुत भयंकर गर्मी है भाई। अभी 2-3 बैट्समैन बाकी हैं, उन दोनों तीनों बैट्समैन के बाद तुरंत ही हम लोग कूल डाउन करेंगे, थोड़ा सा बात करेंगे किसने क्या गलती करी है, वो मैं आपको दिखा दूंगा क्या बातचीत रहेगी हमारी, ग्रुप जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो मैं आपको अभी पूरा इसमें क्लिप में डालूंगा, वो आप पूरा सुनना और देखना। 12:30 बज रही है और अभी भी ओपन नेट्स चल रही है, तो जैसा कि आप देख रहे हो कि हमारी एकेडमी में कोई भी टाइम लिमिट नहीं है,
काफ़ी देर हम लोग सेशंस लेते हैं, सुबह 7:30 बजे से 1-2 भी बज जाता मॉर्निंग सेशन। विशाल रावत अभी बॉल डालते हुए, पूरा मैच के सिनेरियो के हिसाब से भी हम लोग ओपन नेट्स कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास अंदर बंद नेट नहीं है, हमारे पास क्लोज नेट भी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन बेटर यही है कि मैं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ओपन नेट्स करवाऊँ, मैच सिनेरियो के हिसाब से उनको बैटिंग बॉलिंग करवाऊँ, ताकि उनको फील्डर का भी पता लगे, गैप वगैरह निकालना है, बॉलरों को लग के बॉल डालना है, टप पे बॉल लग के डालना है। देखो पीछे पूरा अभी चल रहा है ओपन नेट्स, सीधा सीधा खेल यार, क्या ओ हीरो, सीधा 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 सारे क्रॉस मारने जा रहा है, सीधा खेलना सीधे बैट से। ये आज के ओपन नेट्स का लास्ट ओवर है प्रदीप के द्वारा, ये लास्ट ओवर चल रहा है ये ओपन नेट्स का, 1 बजने को हो गया। गुड बॉल, एक बच चुका है, लास्ट ओवर है ये इस पूरे दिन का, फिर शाम को दोबारा प्रैक्टिस स्टार्ट होगी 3:30 बजे करीब। एक लैप करो उसके लिए, कितने ओवर, अरे वहीं रहो, 9 ओवर, 12 7 ओवर, 4 4। देखो यार ये अपन ओपन नेट कर रहे हैं ना, इसकी कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक था, क्योंकि जितना आप 22 यार्ड पे टाइम बिताओगे ना, 5 मैच, 10 मैच, 20 मैच, 25 मैच, 30 मैच, आपको हैबिट हो जाएगी ज़्यादा बॉल खेलने की। तो जब भी आप प्रोफेशनल मैच में खेलोगे या फिर अकेडमी के मैचेस में खेलोगे ना, तो तुम्हें 10-15 बॉल में तुम सेटिस्फाई नहीं होगे, फिर तुम्हें वही बॉल अच्छी कि यार मैं 100 बॉल विकेट पर खड़ा रहूँ, 150 बॉल विकेट पर खड़ा रहूँ, तो उससे तुम्हारे रन भी बनेंगे, 80-90 बनेंगे, हर कंसिस्टेंसी से रन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये गलतियाँ मत करा करो, अभी दो दो तुम्हें चांस दिया था, अगर दो दो चांस अगर ना दिया जाए तो ये तो कब के अपन सब घर होते भी 9:30 बजे घर चले जाते अब तक, तो ये गलतियाँ मत करा करो, इतना टाइम खर्च कर रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, धूप में पिद रहे हैं, तप रहे हैं एकदम भयंकर, तो ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए अगली बार से, कल भी करेंगे दोबारा, पर ये गलती नहीं होनी चाहिए। मैं खुद चाहता हूँ कि यार अपने नेट जब ओपन नेट चालू हो शाम तक खिंच जाए, एक एक बैट्समैन इतनी देर खेले कि कम से कम शाम तक जाए, क्योंकि कॉम्पिटिशन मिलना चाहिए बॉलर को भी, अगर आप कॉम्पिटिशन ही नहीं दोगे, खट आउट हो जाओगे तो फिर क्या कॉम्पिटिशन मिलेगा, ना दिमाग लगाया कोई, उन्हें पता है कि बॉलर्स को यार सामने विकेट पर फेंक देंगे तो कभी आउट हो जाओगे। फाइनली आज का सेशन हो गया है ओवर मॉर्निंग वाला, अब इवनिंग की तैयारी, अब यहाँ से भी घर जाना है, घर जाकर नहाकर और थोड़ा सा मोबाइल चार्ज कर वापस आना है, फिर शाम का जो बैच है मेरे जो जूनियर बच्चे हैं उनको भी हम लोग आज ओपन नेट्स कराने वाले हैं, उनको भी आज सेम सिनेरियो देंगे कि आपको कैसे क्या करना है, वी शेप में उनको भी बैटिंग कराएंगे आज, दोनों का ये रहेगा। अच्छा खेले लड़के, लेकिन कुछ गलतियाँ हो गई, क्योंकि मैंने बोला ना स्टार्टिंग में कि आप लोग चेंजेस कर करके प्रैक्टिस किया करो, आप रेगुलर एक चीज़ को मत किया करो, जैसे कि मान के चलो आप जैसे डिफेंसिव बैट्समैन हो तो आप हमेशा नेट्स में या फिर कहीं पे भी वो डिफेंसिव की ही प्रैक्टिस मत किया करो, आप चेंज किया करो, कभी वनडे के हिसाब से, कभी डेज के हिसाब से, कभी 2020 के हिसाब से, क्योंकि फिर आप मैच्योर हो गए उस चीज़ के लिए, जब भी आपके मैचेस आएंगे, क्योंकि आपका वो डाउन फिक्स नहीं है, आप जब भी अपर लेवल पे जाओगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप ओपन करते हो तो आपको ओपन ही कराएंगे, वो आपको नीचे भी बैटिंग करा सकते हैं, वो आपको बीच में बैटिंग करा सकते हैं, वो आपको ओपन भी करा सकते हैं, तो हर एक सिचुएशन के लिए अपन को प्रिपेयर होना है, ये हर क्रिकेटर के लिए है, जो बैट्समैन है उन सब के लिए है कि अपने डाउन को फिक्स मत रखो, चेंजेस करते रहो, कभी 1 डाउन, कभी ओपन, कभी 2 डाउन, कभी 3 डाउन, कभी लास्ट में जाओ 3-4 ओवर के लिए, है ना, तो वो चेंजेस जितने आपके होंगे उतना ही बेटर आप कर पाओगे हाई लेवल की क्रिकेट में। जूनियर लेवल में तो ठीक है, चलो यार आप ओपन कर रहे हो तो आप ओपन करते जाओगे, लेकिन जब अपर लेवल पे जाओगे तब ये चीज़ें नहीं चलेगी, क्योंकि हर चीज़ प्लेयर के हिसाब से नहीं होती है, कई चीज़ें सिचुएशन के हिसाब से होती है, तो उस हर सिचुएशन के हिसाब से आपको अभी से प्रिपेयर होना, ठीक है। तो मिलते हैं 3:30 बजे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। फाइनली वापस से 3:30 बजे मैं आ गया हूँ अकेडमी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है यार, सीरियसली बहुत थक जाता हूँ, कभी कभी सोचता हूँ कि ये सब छोड़ छाड़ के ना यार छोड़ दूँ ये सब, लेकिन फिर सोचता हूँ कि कुछ लोगों ने जो बोला था तो उन्हें जवाब देना बनता है लाइफ का, तो एक दिन अपना भी आएगा, जस्ट वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या होता है। अभी थोड़ी देर में प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं, अभी 10-15 मिनट में आ गए हैं, कुछ बच्चे आ गए हैं, फिर इनका भी सेशन लेने वाले हैं अभी दोबारा से इवनिंग का, ओपन नेट्स ही कराएंगे जहाँ तक है, जैसे बोला था मैंने कि जो जूनियर बच्चे हैं उनको भी ओपन नेट्स की ही प्रैक्टिस कराएंगे, ताकि थोड़ा क्या उनको भी मैच्योरिटी थोड़ी ग्रो करें, थोड़ा रन बनाना सीखें फील्ड में। लेकिन यार एक बात तो है, जब से मतलब आपके साथ चीज़ें शेयर करने लगाऊँ ना, तब तक इनर कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हुआ है, लेकिन हेल्थ की अस्त हो गई है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता ना यार। अभी आपको जब मैंने बताया था जाके तुरंत वापस आया हूँ, देखो नहाया, जरा सा सोया और उसमें वापस आ गया,
चलो कोई ना, लाइफ है, मेहनत करते रहना चाहिए हर इंसान को। हम भी कर रहे हैं, तुम भी करो, हम भी आगे बढ़ेंगे, तुम भी आगे बढ़ो, यही लॉजिक है सीधा। ठीक है, अभी प्रैक्टिस की क्लिप में भी थोड़ी देर में आपको अपलोड करने वाला हूँ, देख लेना। भाइयों आज ओपन नेट्स कराने वाला था मैं शाम को, लेकिन मुझे कॉल आया अनस भैया का। उन्होंने बोला कि यार कल जूनियर बच्चों का अंडर 14 बच्चों जो अंडर 14 के बच्चे हैं उनका मैचेस अरेंज कर दूँ, तो जो आज हम ओपन नेट्स करने वाले थे वो पोस्टपोन कर रहा हूँ मैं कल के लिए, क्योंकि कल मैच होने वाला है तो विकेट को मेंटेन करने के लिए उस पर पानी वगैरह डालना है। तो आज का जूनियर बच्चों का तो ओपन एयर्स कैंसिल हो गया, लेकिन हाँ उनको हम बाकी चीज़ें करवाने वाले हैं। जैसे जैसे बच्चे आते जाएंगे उसके हिसाब से हम लोग उनको कराते जाएंगे। हम थोड़ा साइड में ही उनको थोड़ा, मतलब छोटे बच्चे हैं क्योंकि इवनिंग में, तो उस चक्कर में फिर हम उनको थोड़ा बहुत जो अलग सी चीज़ें हैं वो करा देंगे, उनको थोड़ा मेंटल गेम खिला देंगे या फिर कुछ और चीज़ें करा देंगे। लेकिन कल उनको ओपन एयर ज़रूर कराएंगे क्योंकि कल उनका ही मैच है, तो मैच वैसे ही खेल लेंगे वो लोग। तो ये सारी चीज़ें रहती है, कभी भी सिचुएशन कभी भी कैसे ही बदल जाती है। जैसे अभी ओपन नेट्स कराने वाले थे लेकिन अभी सारे प्रॉपर प्लेयर सारे एक साथ पहुँचे नहीं, इतने में कॉल आ गया। अगर प्लेयर आ जाते तो करानी पड़ती हम लोगों को, अब नहीं आए तो क्या ही कर सकते हैं। अभी विकेट पे रोल करने वाले थे लेकिन बारिश आ गई, हल्के हल्के छीटे आ गए। भाई बच्चों ने मेहनत करके देखो कवर वगैरह ढक दिया है, क्योंकि कल मैच होने वाला है जूनियर बच्चों का, तो जूनियर बच्चों ने जल्दी से इसको ढक दिया। मैच तो तब भी हो जाएगा, बस ग्राउंड बहुत भयंकर गीला ना हो। अभी ये निशान भी नींद में चल रहा है ना, क्योंकि नहीं नहीं सही बात है, वो अभी एक बजे डेढ़ दो बजे तो बेचारे वो अभी सोए ही थे। मैं समझ सकता हूँ इनकी कंडीशन कि उठ के आना प्रदीप, सच में उठ के आना, हम समझ सकते हैं। सबसे ज़्यादा ग्राउंड में रहते हैं, तू भी उसमें है कैटेगरी में कि एक बार जाके सोना और फिर दोबारा उठ के वापस आ जाना बहुत भारी काम है। तीनों चारों हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ को लेके, लेकिन उससे हमें अच्छा भी मिलेगा पक्का, 100% गारंटीड अच्छा भी होगा सबके साथ जो भी मेहनत कर रहा है ग्राउंड पर। मौसम अच्छा हो गया, फील्डिंग कैचिंग करने वाले हैं अब, ये छोटे मोटे गुटकम गिटकम आ गए बच्चे, और भी आ रहे होंगे अभी दो जुड़वा भाई। बाहर बारिश आ रही है और सब लोग अब रूम में आ चुके हैं। राजू राज के साथ फिर से एक बार धोखा, ये जैसे ओपन नेट्स करने के लिए आ रहा था तो रास्ते में ही बारिश आ गई। सबसे सैडेस्ट पर्सन है ये फिलहाल अकेडमी का, और सबसे ज्यादा खुश वाला पर्सन है प्रदीप, जिसको पानी नहीं डालना पड़ा। और ये जिसकी एक हफ्ते में चार बार हो चुका है ना, एक हफ्ते में चार बार इसका ऐसा हुआ कि ओपन नेट्स करने के लिए आया या नेट्स करने आया टर्फ पे वैसे ही बारिश आ गई। तो राजू कैसा लग रहा है आपको? वही अगेन फूटी किस्मत फूटी फूटी किस्मत हो गई भाई राजू के साथ, बोलने के लिए कुछ बचा। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, अब तो कुछ ना कुछ तो करेंगे आगे तो। नहीं नहीं करेंगे, अगर अभी बंद हो जाती है ना तो भाई ओपन नेट्स करेंगे पक्का। अभी कवर ढक दिया था इसलिए हम लोगों ने विकेट पे, ताकि हम लोग कर पाए कुछ ना कुछ उस पर। दोस्तों ये इतनी तेज बारिश हो रही है, हमारे दो स्टूडेंट अलमीर और आरिज इतनी बारिश में भी, इतनी बारिश में भी आ गया तू है? हाँ। क्या पापा लेके आए जबरदस्ती या खुद आए? वो खुद आए। ये देखो दोनों बच्चे बारिश में भी एकेडमी आते हैं, सीखो उन लोगों से कुछ। और ये हमारे रवि जो हर बात पे पापा को लेके आता है छोटी छोटी बातों पे। और एक हमारा प्रियांशु सवालों का क्या बोलते, तो सवालों का किंग, क्वेश्चन किंग, ये हर्ष छपरी है। हाँ भाई हर्ष, क्या लाया खाने के लिए? बिस्किट किसके लिए? चंपी के लिए? मेरे लिए तो तू बेटे जिंदगी में कभी नहीं लाया, अब क्या लाएगा? अरे जब आता था, जब आप ही लाता था। कब आया तू और कब लेके आया? पहले भी आता था। तो अब नहीं आता, अब कहाँ आता तो था यार। हाँ सही बात है बेटे, सही बात है। राजू दुखी आत्मा राजू, अभी बहुत खुश हूँ मैं। क्यों? मजे कर रहा हूँ बच्चों के साथ, हम लोगों को काम तो रहने का नहीं। सही है। भाइयों देखो पूरा ग्राउंड गीला हो गया, ये हमारे पॉलिथीन जो हमारा कवर था उस पर भी पानी हो गया। हाँ देखते हैं विकेट का क्या होता है कार्यक्रम, इसके अंदर का मालपुआ कितना बचता है। उधर का इधर का उधर करना है ना? कैसे? उधर का उधर, हाँ इधर का इधर, उधर का उधर। ठीक है प्रदीप। अरे छपरी हाथ हिला रहा, सेलिब्रिटी बनना चाहता है मामा तेरे बन नहीं पा रहे, और तू बनना चाहता है। सही है बेटा, सही है। आजा बेटा झाड़ू लिया जल्दी। डालो पानी को, हटा रहे हैं कवर के ऊपर से, तो पूरी तैयारी चल रही है वापस से विकेट को सुखाने की। हो सकता है सूख भी जाए और हो सकता है ना भी सूखे। अरे थोड़ा तेज कर ले प्रदीप, उसको भी फेंका करो। अबे एक जना इसको झाड़ू को वहां से उससे फेंक दिया करो, पानी क्या वापस उसके अंदर आ जाएगा विकेट की।
प्रॉब्लम यही है कि वापस नहीं आना चाहिए, अगर वो वापस आ गया तो फिर काम लग जाएगा। अंदर फिलहाल तो है। प्रदीप इस वाले पानी को सुन, इसको इधर लेके जाना, हाँ इधर मत लाना क्योंकि इधर से ढलान है। प्रदीप के लिए एक प्रोफेशनल काम मुझे आज मिल गया यार। ये प्रदीप अगर आता नहीं है ना अकेडमी तो दिमाग खराब हो जाता है मेरा, इसको जबरदस्ती बुलाना पड़ता मुझे कि प्रदीप आ। अभी मौसम को देख के ऐसा लग रहा है जैसे, राजू क्या कह रहा है मौसम अब? सही है, मौसम तो साफ है। पक्का बारिश आएगी नहीं आएगी अब? नहीं आएगी अब। निशांत आप क्या कह रहे हो? आएगी रात में आएगी। कंफर्म? तो ठीक है, 100-100 रुपए की आप दोनों के बीच में बैठ लगी। अगर आप जीतोगे, निशांत जीता तो 50 मेरे हो जाएंगे उसमें से, अगर तू जीता तो 50 मेरे हो जाएंगे उसमें से। ठीक है, दोनों को 50-50 दे दूंगा कमीशन मेरा, क्योंकि मैं यार बीच में एजेंट हो रहा हूँ। तो फिर ठीक है, 100-100 की लग गई, बारिश आने की और ना आने की। ठीक है, डन है ना? चैलेंज एक्सेप्टेड। और भी कोई उम्मीदवार है क्या यहाँ पे? बताओ कोई और उम्मीदवार? नहीं नहीं, बच्चों को नहीं रखते हम। वसीम नहीं कर सकता बेटे, 100 रुपए वसीम के 5 दिन चलने खाने के। वसीम रिस्क नहीं लेगा 100 रुपए का। चलो 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 भाई, अभी एक बारिश के बारे में एक शर्त रखी गई थी राजू और निशांत के बारे में, है ना? ये शर्त शुरू होने से पहले खत्म होगी, दोबारा से बारिश आएगी, जिसमें राजू आप ये शर्त हार चुके लग रहे हो कि आप हारने वाले हो। शर्त अगर थोड़े से भी छींटे जरा से भी आए तो ये शर्त आप हार चुके होंगे। तो ऐसा रहा, हारने वाला हूं। बारिश आ गई, फिर तो 50-50 रुपए निशांत को पार्टी मेरी तरफ से। पार्टी नहीं, 100 रुपए की बात, 50 रुपए कमीशन है मेरा। 100 रुपए निशांत हो गया उसका काम, 5 दिन का काम हो गया उसका भी। यार बारिश तो आ गई और पूरा ग्राउंड गीला, अंदर एकेडमी भी गीली हो गई। लेकिन फिर हमने सोचा है, बच्चे तो आ गए थे छोटे छोटे, कि क्या किया जाए। पहले तो मेरे का दिमाग में आया कि यार रहने देते हैं आज, चलो प्रैक्टिस नहीं कराते हैं। लेकिन फिर मेरे को याद आया, नहीं यार टाइम वेस्ट नहीं कराना इनका, तो हमने सोचा थोड़ी फिटनेस करा देते हैं बच्चों को। तो अभी फिटनेस का काम अभी चल रहा है। ये बच्चे देखो रनिंग वगैरह कर रहे हैं, स्टार्ट कर दिया उन्होंने, अभी स्प्रिंट वगैरह लगा रहे हैं। इसके बाद इनको थोड़ी कौन फिटनेस वगैरह हम करवाएंगे, थोड़ी सी और चीज़ें वो करवाएंगे, थोड़ा सा इनको मैच टेम्परामेंट के बारे में बताएंगे कि कैसी फील्डिंग पोजीशन में, किस जगह कैसे आपको स्टार्ट लेना है, कहाँ बॉल कितना घूमता है, कट में घूमता है, स्वीप में घूमता है। तो उसके बारे में इनको थोड़ी सी नॉलेज दे देंगे, ताकि इनका भी काम आज का पूरा हो जाए। क्योंकि कभी कभी क्या है, इन्फॉर्मेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वही चीज़ है आज, ये बच्चे सारे छोटे छोटे हैं जो अभी कर रहे हैं फिटनेस वगैरह। ये फिटनेस स्टार्ट, कौन फिटनेस चालू बच्चों की। ये अर्ष शफरी और अलमीर, और भी कोई जैसे प्लेयर्स हैं जिनको पर्सनली प्रैक्टिस चाहिए हो, जैसे कि साइड आर्म से अगर खेलना हो तो वो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं यार, है ना? जो चार्ज जो होगा साइड आर्म वगैरह का या किसी भी पर्सनल क्लास का, वो प्लेयर के हिसाब से बता दिया जाएगा कि कितना आपको चार्ज पे करना है, 1 घंटे का या 2 घंटे का। उसको साइड आर्म से रैकेट वगैरह से हम लोग प्रैक्टिस प्रोवाइड करा देंगे, जिसमें बैट्समैन गारंटीड सेटिस्फाई होके जाएगा। आप जैसा बोलेंगे प्रैक्टिस का, बैटिंग का और बॉलिंग में जो भी आपको चीज़ें चाहिए वो हम करवा के देंगे। तो अगर ऐसा कोई प्लेयर हो जो पर्सनली कोचिंग लेना चाहता हो, तो वो मुझे DM कर सकता है इंस्टाग्राम पर जाके, ओमेंद्र सिंह 009 के नाम से ID आप सर्च कर सकते हैं। जो दूसरा मेरा पर्सनल एक ID है, ओमेंद्र सिंह स्ट्रगलर, आप उस पर ही मुझे मैसेज कर सकते हैं। दोनों ID पे किसी भी मैसेज करो और चीज़ों को देखो और जानो, और प्रैक्टिस चाहिए तो आप बताओ। एंड एडमिशन के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि थोड़े टाइम में हमारी फ़ीस इंक्रीज़ होने वाली है। तो जो भी बच्चा एडमिशन लेना चाहता है हॉस्टल का या हॉस्टल के बाहर का, जैसे लोकल बच्चे हैं या फिर कहीं के ही बच्चे हो, तो वो जल्दी से एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी हमारी फ़ीस इंक्रीज़ हो जाएगी। फिर ऐसा ना हो कि आप इस अकेडमी में आने की सोच रहे हो फिर आई ना पाओ पैसों की वजह से। इसीलिए बच्चों को हम लोग बहुत जल्दी ये चीज़ें बोल रहे हैं कि जिनको भी एडमिशन लेना है अभी ले सकते हैं, आने वाले टाइम में अकेडमी की फ़ीस बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी। इसीलिए जल्दी से एडमिशन के बारे में सोचें, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें और अकेडमी आके विज़िट कर सकते हैं कि अकेडमी में ग्राउंड कैसा है, अकेडमी का नेट सेशन एरिया कैसा है, मैचेस वगैरह कैसे होते हैं, कितने होते हैं, सारी चीज़ें आपको हमारे इस ब्लॉग्स वगैरह में मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि बारिश हो चुकी है। जो जूनियर बच्चे हैं वो फिटनेस वगैरह कर रहे हैं, और बाकी अभी ऐसा कोई काम बचा नहीं है कि जो मैं आपको मोबाइल में दिखाऊँ, है ना, या फिर ब्लॉग में के अंदर आपको मैं बताऊँ, क्योंकि बाकी चीज़ें मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो जाएगी इसके बाद। तो वो मैं चाहता नहीं हूँ कि वो सब मैं आपको ब्लॉग्स में दिखाऊँ। मैं चाहता हूँ कि आपको क्रिकेट से रिलेटेड ही चीज़ें सारी दिखाऊँ, ग्राउंड से रिलेटेड, मैचेस से रिलेटेड, प्रैक्टिस से रिलेटेड और थोड़ा बहुत मेरी लाइफस्टाइल से रिलेटेड। ठीक है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय श्री राम। कल मिलते हैं मैच के दौरान। मैच के सारी क्लिप्स एंड वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, और आप लोग चेक करते रहना जल्दी से। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्यारे प्यारे ब्लॉग्स आप मेरे ही चैनल
पे देख पाओगे, और आपको ऐसे ब्लॉग्स कहीं नहीं मिलेंगे। जो कि कोच होते हुए भी मैं प्रैक्टिस के सारी चीज़ें आपको ब्लॉग्स के अंदर दिखाता हूँ, जो मैं प्रैक्टिस कराता हूँ वो कंप्लीट मैं आपको बता रहा हूँ इन ब्लॉग्स के अंदर। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, और अपनी फैमिली वालों से भी सब्सक्राइब करवाओ, उनको भी मेरी वीडियोज़ दिखाओ। जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं जल्दी से मुझे जाके DM कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी।